वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी गीदड़ की होशियारी। प्यारे दोस्तों, एक गीदड़ ने बहुत ही होशियारी के साथ लोमड़ी को पकड़ के कहा, आज तो मैं तुम्हें खा कर रहूंगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लोमड़ी ने कहा, अरे गीदड़ भैया, क्या हो गया है आपको? मेरे गोश्त से ज्यादा अच्छा तो हिरन का गोश्त है और आप मेरा गोश्त खाने चले, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, लगता है आप बदजौक हैं। गीदड़ ने कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आज तुम्हारा कोई हरबा नहीं काम आने वाला। लोमड़ी ने कहा, गीदड़ भैया एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। गीदड़ ने कहा, बस बस ज्यादा नहीं, मुझे बेवकूफ मत बनाने की कोशिश करना। गीदड़ लोमड़ी को खाने ही वाला था कि लोमड़ी ने कहा, गीदड़ भैया आपने मक्खन खाया है? गीदड़ ने कहा, नाम तो सुना है बहुत अच्छा होता है। लोमड़ी ने कहा, हाँ उसी चीज का तो मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है उसको मुंह में डालो, इतना नरम होता है कि मुंह में जाते ही साथ घुल जाता है। गीदड़ ने कहा, तुम्हें पता है वो कहाँ है? लोमड़ी ने कहा, मैं वही तो लेने जा रही हूँ, चलें आप भी मेरे साथ चलें, पहले आप मक्खन खा लें फिर मुझे खा लीजिएगा। लोमड़ी ने गीदड़ को कुएं में झांकने के लिए कहा। कुएं में चांद की रोशनी सफेद सी मक्खन जैसी नजर आ रही थी। लोमड़ी ने कहा, यही तो है सफेद मक्खन, मक्खन बनाने वाले यहाँ पर अपना मक्खन छुपा कर रखते हैं और यहीं से लेकर जाते हैं, चलें अब मैं जाकर मक्खन लेकर आती हूँ। कुएं में दो बाल्टियाँ लटक रही थी रस्सी के साथ, जैसे ही लोमड़ी एक बाल्टी पर बैठी तो वो बाल्टी नीचे चली गई। गीदड़ ने कहा, लोमड़ी तुम आ क्यों नहीं रही हो ऊपर? लोमड़ी ने कहा, देख नहीं रहे गीदड़ भाई, इतना भारी मक्खन मैं कैसे भला उठा के ला सकती हूँ, आप भी तो आए नीचे। जैसे ही गीदड़ दूसरी बाल्टी में बैठा, गीदड़ नीचे चला गया और लोमड़ी ऊपर आ गई। और लोमड़ी ने जल्दी से कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की और कामयाबी हो गई और गीदड़ की बाल्टी नीचे ही रह गई। गीदड़ ने कहा, ये मक्खन तो नहीं है। लोमड़ी ने कहा, यही तो मैं कह रही थी, इतना भारी मक्खन भला मैं कैसे उठा सकती हूँ, चलो अब मक्खन में मजे करो। तो देखा बच्चों, लालच होशियारी में की जाए या बेवकूफी में, हमेशा नुकसान ही देती है। नई सुबह कहानी घर में इतना ही, मिलते हैं एक मजेदार नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।